ने अभी बताया, आज गुजरात की असेंबली में से मुझे पूरे सत्र के लिए, पूरे 3 दिन का सत्र था, तीनों दिन के लिए मुझे सस्पेंड कर दिया है। लेकिन कोई चिंता नहीं इस बात की। मुद्दा यह था कि ये चड्डीधारी आरएसएस और भाजपा के नौटंकी बात नेता और उनका मुख्यमंत्री और डिप्यूटी सीएम नितिन पटेल ये कह रहे थे कि बाबा साहब का संविधान महान है, ये है, अरे वो तो सबको मालूम है। लेकिन जब दिल्ली की सड़कों पर संविधान की प्रतों को जलाया, तब 26 नवंबर की सेलिब्रेशन का नाटक करने वाले तुम भाजपाई और आरएसएस के लोग कहां थे? जब गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में थानगढ़ शहर में 3 दलितों की छाती पर गोलियां दागी गई, तब नौटंकीबाज भाजपाई हो तो तुम कहां थे? जब गुजरात के अंदर हजारों की तादाद में लोग सफाई कर्मी दलित समुदाय के गटरों में उतर कर मर रहे हैं, तब तुमको बाबा साहब या संविधान क्यों नहीं आता? जब आरएसएस के गोलकर और सावरकर ने कहा कि बाबा साहब के संविधान को बदलकर मनुस्मृति को लागू किया जाए, तब तुम कहां थे? जब दिल्ली की सड़कों पर संविधान जलाए, तब तो तुम खामोश रहे। न गुजरात के सीएम विजय रूपाणी बोले, न इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोला, तो तुम काहे को संविधान की दुहाई दे रहे हो? तो यह मुद्दा आज मैंने जब उठाया, तब गुजरात के असेंबली के स्पीकर ने कहा कि आपको सस्पेंड किया जा रहा है। हमने कहा भानुभाई वणकर को जिंदा जलाया गया, सफाई कर्मी गटर में उतर कर मर रहे, आज भी गुजरात में छुआछूत जिंदा है वाइब्रेंट गुजरात के सारे वादों के बावजूद। ऊना के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो क्या गलत बात कहा? संविधान पे बात करने का उन्हीं का अधिकार है जो मानते हो कि संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की कल्पना की गई, उस कल्पना को साकार किया जाए। जो बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार करना चाहते हैं, उन्हीं का अधिकार है बाबा साहब के मूल्यों की बात करने का। तुम नौटंकीबाज आरएसएस और भाजपा के लोग हमको सस्पेंड करोगे, और हमको सस्पेंड करने से क्या होगा? आप ये समझते हो कि तुम मुझको गुजरात की असेंबली में बोलने नहीं दोगे तो मेरी आवाज को दबाया जाएगा, मैं सड़क पे बोलूंगा, और यदि सड़क पे रोकोगे तो असेंबली के अंदर बोलूंगा। हमको स्पीकर ने कहा कि आपको माफी मांगना पड़ेगा। हमने कहा माफी आज भी नहीं और कल भी नहीं, पूरे जीवन में कभी माफी मांगूंगा नहीं, बल्कि आप जो मुझे सस्पेंड कर रहे हैं उस बात का मुझे गर्व है, और पूरे भारत के 17% दलितों को यह बताना चाहता हूं, पूरे गुजरात के 50 लाख दलितों को यह बताना चाहता हूं कि एक बंदा तुम्हारा आज गुजरात की असेंबली में ऐसा बैठा है जो कोई भी दलितों के सवाल को लेकर नौटंकी चलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज मैंने खुलकर कहा, हमको गौरव है उस बात का, अभिमान है, मैं प्राउड फील कर रहा हूं इस बात को लेकर कि इस मुद्दे पर मुझको सस्पेंड किया गया। आरएसएस के गोलकर और सावरकर लिख चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं कि जो बाबा साहब का संविधान है उसको समंदर में फेंकना चाहिए। अरे तुम लोग जो बाबा साहब के संविधान को समंदर में फेंकने की बात कर चुके हो, आज तुम गुजरात की असेंबली में संविधान को सेलिब्रेट करने का नाटक कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुमको भाजपाई हो। और एक नहीं हजार बार सस्पेंड करोगे तब भी हम कहेंगे मनुस्मृति वाले भाड़ में जाए और संविधान जिंदाबाद। जिग्नेश मेवाणी पूरे गुजरात और पूरे भारत के दलितों की आवाज है। तुम चाहे कितना भी कोशिश करो मेरी आवाज को रोकने की, पूरे भारत के दलित मेरे साथ है, पूरे गुजरात के दलित मेरे साथ है। और अब तमाम साथियों की अपील करता हूं कि इस वीडियो को वायरल करिए, पूरे भारत को पता चले कि एक दलित विधायक को किस प्रकार से गुजरात की असेंबली में बोलने से रोका जा रहा है। आज डिप्टी सीएम नितिन पटेल खड़े होकर बोले, सुरेंद्रनगर जिले में माननीय नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो हाथी पर संविधान को लेकर घूमे थे, तो क्या करें इस नौटंकी का हम? उसी सुरेंद्रनगर के थानगढ़ में 3 दलितों की छाती पर गोलियां दागी गई, आज भी उनको न्याय नहीं मिला। आज भी ऊना के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। बड़ी बड़ी बातें करते हो, सी प्लेन यहां पर छोड़ते हो, चंद्रयान छोड़ते हो, दलितों को गटर में उतर कर मरना ना पड़े ऐसा मशीन लाने को तैयार नहीं। गुजरात के 33 जिलों में से एक भी जिले के, एक भी तहसील के, एक भी गांव के बारे में क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि वहां पर छुआछूत नहीं? गुजरात का एक भी गांव स्वतंत्रता के इतने सालों के बावजूद, संविधान के बावजूद आप छुआछूत से मुक्त नहीं कर पाए, और बाबा साहब के नाम पे आप नाटक करने की कोशिश कर रहे हो। गुजरात की असेंबली में बाबा साहब के नाम से कोई भी खिलवाड़ हुआ, संविधान के साथ कोई भी छेड़खानी हुई तो सारे लोग खामोश रहे, मैं खामोश नहीं रहूंगा। यही इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं, और पूरे गुजरात और देश के दलितों को अपील करता हूं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, पूरे भारत के अंदर इस बात को फैलाया जाए कि किस प्रकार से जिग्नेश मेवाणी को आवाज को गुजरात की असेंबली में रोकने की कोशिश की जा रही है। हमारे सामने ये विकल्प रखा गया है, यदि कल मैं असेंबली में माफी मांगू तो बाकी के दिनों में मुझे बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन यह तो होने वाला नहीं। मैं आज भी सॉरी नहीं कहूंगा और कल भी सॉरी नहीं कहूंगा। जय भीम,
जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, और हमेशा संघर्ष किया है। असेंबली में भी संघर्ष करूंगा और सड़क पर भी संघर्ष करूंगा, यही मेरा पूरे गुजरात और देश के दलितों को वादा है। आप तमाम साथियों को दोबारा अपील करता हूं कि किस प्रकार से मेरी आवाज को गुजरात की असेंबली में दबाने की कोशिश की जा रही है, उस बात का पूरे भारत में प्रचार हो और पूरे भारत के दलित गुजरात की असेंबली के स्पीकर और गुजरात के सीएम को लिखे कि इस प्रकार का मेरी आवाज को दबाने का जो प्रयास है उसको बंद किया जाए, यदि आप सचमुच संविधान में मानते हैं। और यही असेंबली के स्पीकर साहब कहे थे, बाबा साहब ब्राह्मण है, किस प्रकार का आपका माइंडसेट, या आपकी क्या बकवास किए जा रहे हो, ये झूठ फैलाने का काम हो रहा है। और गुजरात की असेंबली में संविधान के साथ कुछ भी नाटक होगा मैं उसको सहन करने वाला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, एमएलए के तौर पे सस्पेंड होना पड़े तो वो मुझे मंजूर है, लेकिन संविधान के साथ खिलवाड़ मंजूर नहीं है। जय भीम, जय संविधान, और इंकलाब जिंदाबाद।